अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बनाने वाले हैं कलेजी, जो तकरीबन आधा किलो मैंने कलेजी ले लिया है, टमाटर पेस्ट, प्याज और थूम अदरक का पेस्ट और मसाला और ऑयल। तो आइए अभी हम इसे बनाते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, अब ये ऑयल फ्राई हो गया है तो हम इसमें डालेंगे प्याज, तकरीबन एक अदद प्याज। अब हम इसको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। तो जब हमारा प्याज इस तरह पीला हो जाए तो हम इसमें डालेंगे कलेजी। कलेजी हम इसलिए डालेंगे ताकि इसका जो स्मेल होता है वो इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर ये जो कलेजी के जो स्मेल होता है वो डाल देना है इसमें। इस तरह थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे ताकि इसका जो कलेजी के जो ऑयल है वो निकल जाए। जब हम कलेजी में इस तरह थोड़ा सा फ्राई हो जाए क्योंकि इसमें ऑयल निकल जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे थूम अदरक का पेस्ट। तो हम मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम डालेंगे टमाटर। और कलेजी में हमेशा टमाटर का पेस्ट डाले तो वो मजे देने लगते हैं। उसको हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ताकि टमाटर भी इसमें पक जाए, उसका कलर भी अच्छा आ जाए। तो बस फिर हम मसाला डालेंगे। तो बस जब आप समझ जाए कि टमाटर को इस तरह सूख जाए, उसके अंदर एक दो हो जाए, तो ये इस तरह जब आप समझे तो सूख गए तो फिर आप इसमें डालें मसाला। क्योंकि मैं तीन चार किस्म मसाले डाले हुए हैं, तो इसमें हमने हल्दी डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और सालन मसाला भी डाला हुआ है, लाल मिर्च डाल देंगे और नमक भी डाला हुआ है। तो ये इस तरह का कुछ बन जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि ये थोड़ा सा आपस में मिल जाए। हमने टमाटर के पानी को इसमें डाल दिया ताकि इसमें जो मसाला है अच्छी तरह आपस में मिल जाए। और इसमें हम थोड़ा सा पानी सुखाएंगे और फिर ये है रेडी। तो ये इस तरह का बन गया है। तो अभी हमने इसको सर्व करना है। तो यानी इतना इसमें वो चाहिए जो ग्रेवी है, ज़्यादा सुखाई भी ना, बहुत लजीज लगती है। आप जो होटल वाला जो आप करते हो बिल्कुल वही ऐसा करते हैं इसमें। ये आप कभी बनाए तो इसका बहुत ज़बरदस्त जायका है। तो फाइनली हमारी